बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड ने अपना 69वां वार्षिक आम सभा का आयोजन पटना के विद्यापति भवन में किया। इस आम सभा में बिहार और झारखंड के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मदन सहनी और कृषि मंत्री बिहार प्रेम कुमार मौजूद रहे। सहकारी संघ लिमिटेड का वार्षिक आम सभा के अवसर पर आज एक दिवसीय कार्यक्रम रखे गए हैं और मुझे खुशी है कि आज पाटलिपुत्र की पावन धरती पर झारखंड प्रदेश और बिहार प्रदेश से काफ़ी संख्या में हमारे संघ के सभी माननीय पदाधिकारीगण, सभी माननीय सदस्यगण बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इनके कई महत्वपूर्ण मांग हैं जाकर के, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और उस चर्चा में सरकार के स्तर पर उन चीज़ों का हर संभव उनका जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा, उसका समाधान भी करने का रास्ता निकाला जाएगा। तो आज की इस वार्षिक आम सभा के अवसर पर हमारी शुभकामना है, बधाई जाकर के है और जो उन्होंने पहल की है, मुझे भी यहाँ पर अवसर दिया है, तो निश्चित तौर पर जो बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ है जो लंबे समय से और इस राज्य की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान जाकर के है और राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तीसरे कृषि रोड मैप में हमने पशुपालन मत्स्य विभाग को प्राथमिकता दी जा करके है, तो निश्चित तौर पर इनकी मांगों को मैं देख रहा था और राज्य सरकार के स्तर पर पूर्व में कई घोषणाएं भी की गई है, उसको लागू भी किया गया है और आगे भी जो हमारे मत्स्यजीवी सहकारी संघ के सदस्य हैं उनके जो हम मांग हैं उस पर सरकार निश्चित तौर पर विचार करके हर संभव मदद करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, ऐसे तो सरकार के स्तर पर पूरे राज्य में जो पानी का प्राकृतिक आपदा है और आपदा से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर जहाँ पर बोरिंग फेल कर रहा है तो राइजिंग पाइप लगा करके एक प्रयास किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि यह संकट का समाधान के लिए कोई न कोई स्थायी रास्ता निकालना होगा। पिछले वर्ष भी मैं देखा कि बारिश समय पर नहीं हुई, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, समय पर बारिश का नहीं होना, कम बारिश का होना और ख़ासकर हमारे मछुआरा भाई जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत चुनौती है, तो निश्चित तौर पर सरकार उन बातों पर गंभीरता पर विचार करते हुए क्या इसका रास्ता निकल सकता है जाकर के। वैसे सरकार के स्तर पर बोरिंग पंप सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अनुदान की राशि भी दी जा रही है।